आज जब ओवैसी की स्पीच वायरल हुई, उस वक्त योगी अयोध्या में थे। आज ओवैसी कहते सुनाई दे रहे थे कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। अयोध्या में खड़े होकर योगी ने इसका जवाब दिया। योगी ने कहा, ये राम भक्तों की सरकार है, राम भक्तों की सरकार भक्तों पर गोली नहीं चलाती। चुनावी मौसम में सबकी भाषा पर धर्म बहुत चढ़ा हुआ है, क्या धर्म से ही वोट मिलता है? यूपी पंजाब में सबसे ज्यादा धर्म की बात हो रही है और दोनों राज्यों में धर्म कांटा किसकी तरफ झुकता है, इस रिपोर्ट से समझिए। रामलला के दरबार से योगी आदित्यनाथ आरती से शुरुआत करते हैं, चुनाव में रामलला का आशीर्वाद लेते हैं, काशी विश्वनाथ में प्रधानमंत्री डुबकी लगाते हैं, कलश में गंगा जल भरकर विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव को चढ़ाते हैं। बिना स्पेशल सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं और अब गुरु पर्व के खास मौके पर लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित समारोहों को संबोधित करेंगे। धर्मकांटा पूरी तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में झुकता दिख रहा है। असली हिंदू और एक्सीडेंटल हिंदू की लड़ाई में मोदी योगी बहुत आगे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो तो असली हिंदू हैं, महंत हैं, सन्यासी हैं और राम भक्त हैं। सीरियल में कार्यक्रम में और एक ही आवाज आती थी, और आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। हम लोगों ने तो कहा सो करके दिखाया ना, क्यों किसी को कोई संदेह है? जो कहा वह करके दिखाया गया। काफी मसला बाकी है। और भगवान राम का भव्य मंदिर, ऐसा मंदिर भगवान राम का बनेगा जो देश और दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। अपने आप को गौरवशाली मानिए, अपने को धन्य समझिए कि भगवान की इस पावन धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। और श्री राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए कुछ करने का अवसर जब भी किसी को प्राप्त हो तो बड़ी खुशी खुशी के साथ उसको अपना योगदान देना चाहिए। यूपी की लड़ाई अब हिंदू विरासत पर आ गई है, शायद इसीलिए मंदिर मंदिर जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव हनुमान जी की शरण में पहुंचे हैं, लाल रंग से कमाल करने की कोशिश में हैं, तो प्रियंका गांधी भी मंदिर मंदिर जाकर अपनी भक्ति की शक्ति दिखा रही हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के मंचों के बैकग्राउंड पोस्टर में राम मंदिर क्लियर मैसेज देता है। यूपी में खुला खुला पूछा जा रहा है, राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों की? राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है तो भगवान राम ने राम राज्य, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की थी, स्वतंत्र भारत में कैसा शासन चाहिए, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला, किसी भी प्रकार के, यानी जहां पर दुख और दलिद्रता के लिए कोई जगह न हो, दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं, काहू व्यापार, यानी कहीं भी इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार के दुख के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। ये राम राज्य है जहां पर जो सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, जो शाश्वत है, देश काल परिस्थितियों से अप्रभावित है, वह व्यवस्था राम राज्य की है। और विकास की इस पर्याय को आगे बढ़ाने का कार्य आज अयोध्या के अंदर इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। राहुल गांधी अभी भी इसमें हिंदू हिंदुत्व का नैरेटिव डाल रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुजरात के लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित गुरु पर्व समारोहों को संबोधित करेंगे। इस गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण भी मोदी ने ही करवाया था।
मुझे आज इस बात को कहने में खुशी हो रही है कि जब गुरु नानक देव गुजरात पधारे थे और लखपत के गुरुद्वारे में कच्छ में आज भी गुरु नानक देव की पादुकाओं को संभाल के रखा गया है। मेरे पंजाब के बहुत कम लोगों को पता होगा कि लखपत का वो गुरुद्वारा जिसके साथ गुरु नानक देव की स्मृतियां जुड़ी हुई है, वो सिंध जाने से पहले लंबे अरसे तक लखपत के में रुके थे। भूकंप में ये हमारा गुरुद्वारा नष्ट हो गया। हमने इस विषय के जानकार लोगों को बुलाया और मन में ठान ली कि ये पूरी मानव जात की एक अनमोल विरासत है, ये सिर्फ गुरुद्वारा नहीं है, ये गुरु नानक देव की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। हम दोबारा वैसा ही गुरुद्वारा बनाएंगे। जिस प्रकार का आर्किटेक्चर था, जिस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया गया था, जिस प्रकार से हर काम को बारीकी से सदियों पहले किया गया था, वैसा ही किया जाएगा। इसके लिए हमने गुजरात बाहर से एक्सपर्ट बुलाए, उस समय की उस प्रकार की मिट्टी कैसे प्राप्त हो सकती उसका संशोधन किया, और भाइयों बहनों वैसा ही गुरुद्वारा हमने पुनर्निर्माण किया और आज उसको दुनिया की विरासत के अंदर स्थान मिला है। राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों को गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? एक सवाल बार बार पूछा जाता है, क्या चुनाव में धर्म चलता है? जी चलता है, यूपी में भी चलेगा और पंजाब में भी चलेगा। ২০২২ में 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव है, जहां पर धर्म और कर्म दोनों वोट के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन बना हुआ है। पंजाब में धर्म कितना इंपॉर्टेंट है, चुनाव में धर्म कितना चलेगा, इसका अंदाज आज CSDS और अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर धार्मिक सर्वे से लगा सकते हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के मुताबिक सबसे ज्यादा धार्मिक होने की लिस्ट में सिख सबसे ऊपर हैं। 82% सिख प्रार्थना करते हैं, उनके बाद 74% के साथ ईसाई हैं, फिर 72% के साथ मुस्लिम आते हैं, जबकि 69% हिंदू ही प्रार्थना करते हैं। दिवाली हो, गुरु पर्व हो, ईद हो या क्रिसमस, त्योहार पर्व में लोग अपने अपने धार्मिक स्थल में जरूर जाते हैं, लेकिन बिना त्योहार के भी धार्मिक स्थल में जाने के लिस्ट में भी सिख सबसे ऊपर है। 86% सिख बिना किसी पर्व त्योहार के धार्मिक स्थल में जाते हैं, जबकि 57% हिंदू, 57% ईसाई, 56% मुस्लिम बिना किसी खास पर्व के अपने अपने धार्मिक स्थल में जाते हैं। सर्वे के मुताबिक सिख युवा सबसे ज्यादा धार्मिक है। धार्मिक चैनल या धार्मिक शो देखने में हिंदू युवाओं में गिरावट आई है, जबकि सिख यूथ का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। साल 2016 में 73% सिख युवा धार्मिक चैनल या शो देखते थे, 2021 में 9% बढ़ोतरी हुई और ये 82% पर आ पहुंचा, जबकि 2016 में 63% हिंदू युवा धार्मिक चैनल या शो देखते थे, जो 2021 में 3% गिरकर 60 पर आए। 2016 में 62% मुस्लिम युवा धार्मिक चैनल या शो देखते थे, जो 2021 में 13% गिरकर 49 पर आ पहुंचा। हालांकि ईसाई धर्म के नौजवानों की सोच में थोड़ा सा ही फर्क आया। 2016 में 52% ईसाई यूथ धार्मिक चैनल या शो देखते थे, जो अब 51% है।
पंजाब चुनाव सिर पर है, हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। बेअदबी की कोशिश के बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू तो बेअदबी करने वालों के लिए फांसी की मांग तक कर चुके हैं। बेअदबी पंजाब चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सिख समाज किसी भी धर्म के अपमान के किसी भी तरीके से खिलाफ है। 85% सिखों का मानना है कि किसी भी धर्म पर कॉमेडी शो, कॉमेडी फिल्म नहीं बननी चाहिए। 62% ईसाई भी इससे सहमत हैं। 51% हिंदू भी चाहते हैं किसी भी धर्म पर कॉमेडी शो नहीं होना चाहिए। इस लिस्ट में 38% के साथ मुस्लिम समाज चौथे नंबर पर है। अक्सर युवा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ से थोड़ी दूरी बनाते नजर आते हैं, लेकिन सिख समाज में ऐसा नहीं है। महज 1% सिख युवा ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। इस लिस्ट में सबसे ऊपर 9% के साथ हिंदू युवा हैं, जबकि 8% मुस्लिम युवा मानते हैं कि वो प्रार्थना नहीं करते। इस लिस्ट में 7% ईसाई यूथ भी हैं। मोदी विरोधी एक आरोप बार बार लगाते हैं कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों को धार्मिक आजादी नहीं है। धर्म के नाम पर पक्षपात किया जाता है, दूसरे धर्मों को दबाने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं है। ये सर्वे कुछ नेताओं को, पार्टियों को खासा चुभेगा। 91% हिंदू मानते हैं कि उनको धार्मिक कार्य करने की पूरी आजादी है। 89% मुस्लिम भी यही मानते हैं। 89% ईसाइयों की भी यही सोच है। 82% सिख धार्मिक आजादी की बात को स्वीकारते हैं। 93% बौद्ध और 85% जैन भी इस लिस्ट में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।